दोस्तों, मशहूर चित्रकार पिकासो को हमेशा अपने साथ रिवॉल्वर क्यों रखना पड़ता था? क्या आपने कभी सोचा कि मोबाइल फोन एयर से चार्ज हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें बस एयर में मोबाइल ऊपर उठाना है और मोबाइल फोन चार्ज हो जाएगा, ऐसा है क्या? क्या है इसके पीछे का राज? वैसे क्या कभी आपने 2 लाख का बर्गर खाया है? 2 लाख का बर्गर सोच के ही दिमाग के परखच्चे उड़ जाएं। आखिर क्या है आइंस्टाइन की शादी का रहस्य? और रजनीकांत एक ऐसे बड़े सुपरस्टार हैं जो फिल्म करने के लिए पैसे नहीं लेते हैं, तो फिर क्या लेते हैं? ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 1, दोस्तों राखी सावंत, जो कि हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करके सुर्खियों में छाई रहती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि उन्होंने शुरुआत में कैसे स्ट्रगल किया? मैं आपको बताता हूं, उन्होंने स्टार्टिंग में वेटर तक का काम किया है। जी हां, वेटर। और इसे कहते हैं स्ट्रगल करके कामयाबी हासिल करना। राखी सावंत का असली नाम नीरू बेड़ा है और राखी अनिल अंबानी की शादी में महिला वेटर थी। जी हां। नंबर 2, दोस्तों क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के दौर में भी कोई पुरानी सभ्यता की तरह ही अपना जीवन यापन कर रहा होगा? जबकि आज अगर हम देखें तो हम टेक्नोलॉजी वाइज आधुनिकता के दौर में काफी आगे निकल चुके हैं। और एक जगह ऐसी है जहां लोग बिना कपड़ों के रहते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्रिटेन के हर्टफोर्ड शायर का ब्रिटिक वुड एक गांव है जहां बच्चे, महिला, पुरुष ये सब लोग बिना कपड़ों के रहते हैं और यहां ये मॉडर्न लाइफ जीते हैं। नंबर 3, दोस्तों आज के युग में पैसा ही सबसे ज्यादा व्यक्ति को ताकतवर बनाता है और सही मायने में जिसके पास दौलत है वो आज के युग में राजा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब मुकेश अंबानी की कार की चाबी खो गई थी। एक बार मुकेश अंबानी की मर्सिडीज की चाबी खो गई, तब उनके मैनेजर ने मर्सिडीज के ऑफिस फोन लगाया। उसी रात जर्मनी से एक अधिकारी हेलीकॉप्टर से कार की डुप्लीकेट चाबी लेकर आया था। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा किसी नॉर्मल आदमी के साथ होता तो क्या मर्सिडीज कंपनी उसके साथ भी ऐसा ही बिहेव करती? नंबर 4, दोस्तों पाब्लो पिकासो एक मशहूर चित्रकार थे जिनकी बनाई पेंटिंग आज भी करोड़ों रुपए में बिकती है। पिकासो की पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है और इनकी पेंटिंग को देखकर ये जिज्ञासा जागती है कि आखिर इनकी पेंटिंग्स का अर्थ क्या है। वैसे शायद पिकासो को भी अपनी पेंटिंग्स का मतलब नहीं पता होगा, इसीलिए वो अपने साथ हमेशा एक रिवॉल्वर रखते थे ताकि जो लोग उनसे पेंटिंग का अर्थ पूछें तो वो उनको डरा धमका सकें। वैसे क्या आप ये जानते थे? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5, दोस्तों पॉर्न वीडियो पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए और इसको बनाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि एक अध्ययन से मालूम होता है कि दुनिया में जिन लोगों ने बलात्कार किया है उनमें से 71% बलात्कारियों ने उससे थोड़े वक्त पहले ही पॉर्न वीडियो देखी थी। इस तरह का वीडियो व्यक्ति की मानसिकता को विकृत कर देता है। नंबर 6, दोस्तों कंपनी बड़ी हो तो वो किसी भी वस्तु को किसी भी दाम पर बेच सकती है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है वर्ल्ड की फेमस कंपनी गुस्सी ने। गुस्सी अपना उल्टा चश्मा $755 यानी कि करीबन 56,000 रुपए में बेच रही है। पब्लिक पूछ रही है कि भैया आखिर इस विचित्र चश्मे को कौन खरीदेगा, ऐसा क्या स्पेशल है इसमें। नंबर 7, दोस्तों आइंस्टाइन की मैथ काफी कमजोर थी। उन्होंने मैथ पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए एक नायाब तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया कि अपनी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने सहपाठी मिलेवा मैरिक से शादी की और जब उन्हें उससे ज्यादा अच्छी गणितज्ञ मिल गई तो उन्होंने पहली वाली बीवी को तलाक दे दिया। कुल मिलाकर शादी का मोटिव शादी नहीं था, मैथमेटिक्स था। नंबर 8, दोस्तों हर देश में कुछ न कुछ विचित्र धारणाएं होती हैं। जैसे भारत में काला कपड़ा अशुभ माना जाता है, इसी तरह कोरिया में ज्यादातर पुरुष दाढ़ी नहीं रखते हैं क्योंकि कोरियाई कल्चर में दाढ़ी को अच्छा नहीं माना जाता है। कोरिया में किसी व्यक्ति पर दाढ़ी चाहे कितनी भी अच्छी लगती हो पर फिर भी उसे बदसूरत ही माना जाता है, इसीलिए वो लोग क्लीन शेव रखना ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 9, 33 साल के रशियन अरबपति विक्टर मार्टिनोव अपने शौक के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बर्गर खाने के लिए 725 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए में एक हेलीकॉप्टर बुक किया। ऐसे ही नहीं कहा गया कि भैया शौक बड़ी चीज है। नंबर 10, दोस्तों आज का दौर टेक्नोलॉजी का है और ये हम सब जानते हैं कि जो कंपनी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहेगी वो कंपनी फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगी। हमेशा Xiaomi कुछ न कुछ नया करने की चाह रखती है और अब Xiaomi ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे फोन को एयर से चार्ज किया जा सकेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एयर से। कंपनी ने पेटेंट भी फाइल कर दिया है। दरअसल ये फोन बिना वायर के ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर चार्ज करेगी। नंबर 11,
दोस्तों सुपरस्टार रजनीकांत, इन्हें कौन नहीं जानता। सुपरस्टार कोई ऐसे थोड़ा बन जाता है, उन्हें ये पता होता है कि फिल्म केवल उनके नाम से ही हिट हो जाती है। ऐसे ही सबसे बड़े सुपरस्टार हैं रजनीकांत। ये एक ऐसे सुपरस्टार है जिनके नाम से ही फिल्में बिक जाती है, यानी कि उनका नाम ही काफी है। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने नियम बना रखा है कि अगर फिल्म ना चले तो वो पैसा वापस कर देते हैं। वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि फिल्म ना चले, और ना आगे होगा, क्योंकि उनका नाम ही काफी है फिल्म हिट करने के लिए। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है आज के अमेजिंग फैक्ट्स का सिलसिला। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। बहुत ही जल्द हम हाजिर होंगे नए बेहतरीन वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।